लोग खुद के घर की बात नहीं करके दूसरे के घर की बात कर रहे हैं, जबकि हमको गुलबर्गा से कोई ताल्लुक नहीं है, गुलबर्गा में स्टे है, उन्होंने प्लाटिंग में और अपने कॉलेज में बिजी है। और मैं उनके खिलाफ में नहीं हूँ, मेरे को तलवे चाटने को नहीं आता, मैं काम करो बरो उनको। 13 साल की क्यादत में आप किसी का काम नहीं करें, आप खाली कॉलेज में और अपने पर्सनल बिजनेस में बिजी हैं। कमीशन लेना मालूम है, 4 लाख की लेट लगा के 12 लाख रुपए बिल उठाना मालूम है, पब्लिक को गुमराह करना मालूम है, और इन्हें आरएसएस की बीजेपी की बीटी मान। पूरे 35 वार्ड के 35 काउंसलर झाड़ों के नीचे आके बैठ के जा रहे हैं, इनका कोई काम पुरसाने हाल नहीं है। एमएलए साहब को 2 करोड़ रुपए फंड रहता है, उन्होंने 200 करोड़ के बोर्ड लगा रही है, कहां से लाते हैं फंड? धरकारी बोले तो गलत बात है, खमरुल इस्लाम साहब का भी इंतकाल हो गया और धर्म सिंह साहब का भी, धरकारी कौन है? खरगे साहब है। खरगे साहब को बोलो ऐसा नहीं बोलना चाहिए थे, बिल्कुल गलत बोले खरगे साहब को, बिल्कुल साहब बीजेपी की बीटी मानो। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। मैं तालुका प्रेसिडेंट मोहम्मद गुलाम अली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सबको। आज प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है, म्यूनसिपालिटी चेयरमैन इलेक्शन के बारे में हमने नोटिफिकेशन दिया है और इलेक्शन कमीशन को और डीसी को, बिदर डीसी को, कि जल्द से जल्द बॉडी फॉर्म करें बोल के। तो जब बिदर नॉर्थ एमएलए जनाब रहीम खान साहब को इस ताल्लुक से पूछा गया तो वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट की बात करने लगे और उन्होंने खुसूसन गुलबर्गा का जिक्र किया और बाकी एक लिस्ट का भी उन्होंने जिक्र किया कि फलां फलां जगह पर भी सीएमसी चेयरमैनशिप का जो घोषणा हुई है नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि उनकी निशानदेही किस चीज पर है, या फिर वो किस चीज का जिक्र करना चाह रहे हैं बिदर को छोड़ करके किसी और अजला का जिक्र करना? नहीं, उन्होंने खुद के घर की बात नहीं करके दूसरे के घर की बात कर रहे हैं, जबकि हमको गुलबर्गा से कोई ताल्लुक नहीं है, गुलबर्गा में स्टे है और एमएलए साहब को इस चीज का नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे स्टे है नहीं है, उन्होंने प्लाटिंग में और अपने कॉलेज में बिजी है, उनको पब्लिक की सेवा करना नहीं मालूम। गुलबर्गा के बारे में बोल रहे हैं आप, गुलबर्गा के बारे में मत बोलो, आप बिदर से आप जीते हैं, बिदर की पब्लिक की फिक्र करना आप एमएलए साहब। तो खुसूसन उन्होंने गुलबर्गे के थारकारी बोल के उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी निशानदेही किस तरफ थी वो, या वो किसे कहना चाह रहे थे? धारकारी बोले तो गलत बात है, खमरुल इस्लाम साहब का भी इंतकाल हो गया और धर्म सिंह साहब का भी, अब धारकारी कौन है? खरगे साहब है। खरगे साहब को बोले उन्होंने, जबकि एक हमारे बैकवर्ड क्लास के लीडर हैं, उन्होंने भले पार्टी कौन सी भी रहते ऐसा नहीं बोलना चाहिए थे, बिल्कुल गलत बोले उन्होंने खरगे साहब को, हमारे सेंटर के लीडर बहुत बड़े लीडर हैं वो, उनको बोले उन्होंने गलत बात है, उनको बिदर की फिक्र नहीं करके गुलबर्गा के बारे में, गुलबर्गा में स्टे है, एमएलए साहब को नहीं मालूम स्टे है, सो उनको बिदर में क्या हो रहा है नहीं मालूम रहता, उनके चंद लोग बोलते हैं उनको कैसा करना, उसके ऊपर उन्होंने गाइड करते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, उन्होंने खुद के काम में बिजी है, उनको पब्लिक का काम नहीं मालूम। और एसएफसी फंड है, म्यूनसिपालिटी फंड को भी अपने बोर्डा लगा रहे, जबकि स्टेट बजट से पूरा काम एमएलए रहे भी तो होता नहीं रहते भी होती, वो कुछ फंड ऐसे हैं, और एमएलए साहब को 2 करोड़ रुपये फंड रहता है, उन्होंने 200 करोड़ के बोर्ड लगा रहे हैं, ये कहाँ से लाते हैं फंड? सीएम फंड को भी उन्होंने अपना फंड बोलते हैं, और नगर उत्तर में भी अपना बोर्ड लगा रहे हैं और अपने प्रपोजल पे लोगों काम करो बोल के बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि चेयरमैनशिप ना बनाने की वजह से, या फिर चेयरमैन की सीट किसी को ना देने की वजह से आपके जो इख्तियारात हैं या फिर आपकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो आपको मिल पा रही हैं, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ हम काउंसलर हैं और बतौर काउंसलर आप काम कर सक रहे हैं? पूरे 35 वार्ड के 35 काउंसलर झाड़ों के नीचे आके बैठ के जा रहे हैं, इनका कोई काम पुरसाने हाल नहीं है। 35 वार्ड में एक जेसीबी है और लेबर का स्टॉक नहीं है, कोई सुविधा नहीं अंदर, और एमएलए साहब इधर आते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं, इनको खाली कमीशन लेना मालूम है, 4 लाख की लेट लगा के 12 लाख रुपये बिल उठाना मालूम है, पब्लिक को गुमराह करना मालूम है, और इन्हें आरएसएस की बीजेपी की बीटी मान। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बीटी मान बोल के? इकबाल अहमद सरड की क्रॉस वोटिंग 3 करोड़ में नहीं करते, इससे पहले एमएलसी वोटिंग मेरे साहब पे आरोप है क्या करे थे सर? करे थे, पब्लिक जानती है, जनता जानती है उनको। अरे आप यहाँ बॉडी क्यों नहीं बना रहे? आपके 16 काउंसलर है, बनो, आपके बनो भाई, काम करो। तो आपको लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, और अभी हाल ही में उन्होंने 29 वार्ड में यानी कि 29वें वार्ड में उन्होंने एक सड़क की भी घोषणा की, तो आपको लग रहा है कि पार्टीवाद भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है, उन्होंने तानाशाही की जैसा काम करना चाह रहे हैं, पब्लिक सब देख रही है, इसका परिणाम आएगा इनको इलेक्शन के टाइम। और कुछ उन्होंने जो है उनके खिलाफ जो बोले हैं उनको जो है बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो भी खिलाफ बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या बोलना है, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा खिलाफ बात करते हैं उनके? नहीं, खिलाफ बात नहीं करता, मैं हक बात बोल रहा हूँ ना, खिलाफ बात क्यों करूँ मैं जी? मैं हक बात बोल रहा हूँ, पब्लिक को इसकी बात जागरूक करा रहा हूँ कि भाई आप तानाशाह हिटलर की जैसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिदर में जी, आप बैकवर्ड क्लास को छोड़ दिए हैं, ओनली खाली कमीशन के पीछे पड़े हैं, और आप ये बोलो मुसलमानों का वोट लेके आप मुसलमानों को कितने लोगों को आप एक 13 साल में 13 लोगों को आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए नहीं बनाए,
हजार करोड़ का डेवलपमेंट हुआ बोलते हैं। कहाँ है हजार करोड़? यूजीडी फैला है, वाटर सप्लाई फैला है, तीन दिन में एक बार पानी आ रहा, कहाँ गए पैसे, कहाँ चले गए? कुछ लोग बोलते हैं ऐसा तो बहुत काम हो गया 80%, कुछ लोग के कुछ एरिया में काम नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, आप पे इल्ज़ाम ऐसा लगाते हो। नहीं नहीं गलत बात है, आप सर्वे करो, आप मीडिया वाले हैं, आप सर्वे करके बोलो। हाल ही में कई सारे सोशल मीडिया न्यूज़ पोर्टल्स जो बिदर पे चल रहे हैं उनको SP द्वारा संज्ञान में लिया गया और उनको एक वार्निंग दी गई, तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी सियासतदान का हाथ होगा, क्योंकि उन पर बार बार बारहा निशानदेही की जाती है? आप उनकी झूठी तारीफ करो, उन्होंने तुम्हारे फेवर में रहते हैं, तुम करेक्ट बात बताओ तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने बोलते हैं जगह कुछ लोग है, कुछ चैनल है, तो कुछ लोग कुछ चैनल उनके खिलाफ क्यों है हमेशा? सच्चाई उन्होंने सच बोलते ना जी। जी और मैं उनके खिलाफ में नहीं हूँ, मेरे को तलवे चाटने को नहीं आता, मैं काम करो बोल रहा हूँ उनको मैं जी। 13 साल की क़यादत में आप किसी का काम नहीं करें, आप खाली कॉलेज में और अपने पर्सनल बिजनेस में बिजी हैं। आपको ये मालूम है कटआउट लगाना है 200 करोड़ का, कौन सा भी फंड रंदे उनका नाम लगा के लिख के उन्हों जय मार के चले जाते। आप ही के वार्ड में जब एक बार आप बताए थे कुछ पोल के बारे में, उसके कुछ दिनों के बाद में पब्लिक थोड़ी जमा होती है आपके खिलाफ या फिर उनके फेवर में बात कर रहे थे? मेरे खिलाफ नहीं, उनके फेवर के लोग हैं। देखो भाई पार्टी में आए हम, हमारे खिलाफ के हमारे फेवर के लोग रहेंगे उधर भी रहेंगे, खिलाफ नहीं रहेंगे तो फिर इलेक्शन कैसा होता? आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से? हाँ पार्टी अगर डिसाइड करे तो टिकट देंगे तो लड़ेंगे, पार्टी के ऊपर डिपेंड है किसको टिकट देंगे वो लड़ेंगे। और काउंसलर्स को कितनी तकलीफ हो रही है? काउंसलर को तकलीफ बोला ना, हम झाड़ों के नीचे जाके थर के आ रहे हैं, कोई काम हमारे बुद्ध कोई काम दे रहा नहीं, कोई पूछ रहे नहीं जी। आवाम को क्या तकलीफ हो रही है CMC बॉडी नहीं बनने से? बहुत तकलीफ है, जो हमको तकलीफ है पब्लिक को भी तकलीफ है। पब्लिक ये चाह रही है काउंसलर काम नहीं कर रहा, म्यूनसिपाल्टी में कमिश्नर बात नहीं सुनते हमारी, डबल ही फोन नहीं उठाते। जब विधायक साहब से पूछे तो विधायक साहब ये बोल रहे हैं कि भाई इंचार्ज मिनिस्टर है, MP भी है, फिर गुलबर्गा के भी सुना रहे उन्होंने, इधर उधर का सब सुना रहे, अपनी कैफियत नहीं बयान। MLA आप है ना, आप बनो ना, क्योंकि 16 काउंसलर हैं, बनो जी, लेके बना ले आप 16 काउंसलर। साजिश लग रही है आपको कि कांग्रेस में रहते हैं, उन्होंने कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बना रहे खुद? उन्होंने कभी भी कांग्रेस का क्या भी भरभला नहीं करे, उन्होंने BJP की B टीम है। कौन? रहीम खान? बिल्कुल रहीम खान MLA साहब, BJP की B टीम है जी। B टीम है, पूरा उन्हीं का काम करते हैं, बैकवर्ड क्लास का वोट लेते हैं, चिकन बिरयानी और 500 रुपये दे के और पूरा काम उधर करते हैं। और कुछ पूछना है? देर हो जाए होने की वजह क्या है, बॉडी न बनने की वजह? अब हम इलेक्शन कमीशन को गए साहब, वही वजह बोल रहा हूं, क्या मामला है? सियासत है इसमें, सियासत है, पॉलिटिक्स है इसमें इन्वॉल्व। हाँ अगर जल्दी बना देंगे तो उनको इलेक्शन को हट जाता, 5 लोगों को प्रॉमिस करें, एक अनार 100 बीमार है इसमें, कैसा देते नो? चेयरमैन तो देना एक कुछ है ना, 5-6 लोगों को प्रॉमिस करें, अब अगर होगा तो फिर इलेक्शन में खिलाफ होते लोग, ये डर है उनको। आम आदमी का साथ देंगी, आप कांग्रेस BJP के पीछे छोड़ दियो, 70 साल से बैकवर्ड क्लास मुसलमानों को चॉकलेट देती रही है कांग्रेस, मुसलमानों की क़यादत में हमारी मस्जिद गिरी है, कांग्रेस की क़यादत में हमारे नसबंदी हुई है, कांग्रेस की क़यादत में हमारे ज़मीन टेनेट हुए हैं, जितने भी नुकसान हुए मुसलमानों को चॉकलेट देने का काम करी है, हमारा वोट बैंक इस्तेमाल करी है इफ्तार पार्टी करके, वरना मुसलमान के आज भी लोग फ्रूट तरकारी पंचर दुकान पे छें, हमको कोई पुरसाने हाल हमारा लीडर नहीं है। अगर आपको ऊपर आना है तो आम आदमी को वोट देना, केजरीवाल के हाथ मजबूत करके देश का प्रधानमंत्री बनाना। और कुछ कौम के जिम्मेदार लोग हैं बल्कि बोल रहे हैं जो हमेशा जो विधायक साहब के साथ में रहते हैं, उसमें से आप क्यों नहीं है? जब आप कौम का इतना सोच रहे हैं, इतनी भलाई कर रहे हैं, तो आप भी रहना। कल जैसे DC साहब के पास मीटिंग हुई, कई कौम के जिम्मेदार लोग थे, आप भी थे उसमें मौजूद? कल DC साहब के पास मीटिंग पूरे MLA साहब के आदमी थे, बाकी के दूसरे कोई थे नहीं, मैं अकेला था। वो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव है बल्कि बोल रहे हैं, नुमाइंदे कहते हैं, कोई नुमाइंदे नहीं है, उनको 5 लोग नहीं पहचानते, उन्होंने किसी का भला नहीं करे, कोई इसमें प्रॉपर्टी डीलर है, किसी के ऊपर कुछ कैसे कैसा है, और किसी कोई पहचानता नहीं, कोई किसी का पैसा डूबे हुआ है, स्कीम के धंधे करने वाले लोग हैं, उसको कोई